नमस्कार, UTV न्यूज़ 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं उस मैच के बारे में जो खेला गया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 15 जनवरी 2017 को पुणे के ग्राउंड पे ये मैच खेला गया था। फर्स्ट ODI था और इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा इतना रहा कि दो दो खिलाड़ियों ने एक ही मैच में दो खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगा दी। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि वो खिलाड़ी कौन से हैं दो जो भारतीय खिलाड़ी महान खिलाड़ी हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, भारतीय टीम ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला किया और बैटिंग करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय ने 61 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, मगर इनकी पारी को रोक दिया रविंद्र जडेजा ने। उसके बाद यहां पे सबसे ज़्यादा रन जो रूट ने 95 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, मगर इनकी पारी को भी जसप्रीत बुमराह ने एंड कर दिया। और उसके बाद यहां पे बेन स्टॉक ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 62 रन लगा दिए, मगर जसप्रीत बुमराह ने इनकी पारी को भी रोक दिया। और इस तरीके से पूरी इंग्लैंड टीम ने 7 विकेट गंवाने के बाद 350 रन बनाए और 351 रन की दरकरार थी भारतीय टीम को। और उसके बाद भारतीय टीम उतरी मैदान में, सबसे पहले ओपनिंग करने आए KL राहुल के साथ शिखर धवन, और भारतीय टीम को पहला झटका बहुत ही स्टार्टिंग में लग गया शिखर धवन के रूप में। ये दोस्तों शिखर धवन केवल 1 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद मानो पूरे भारतीय फैंस निराश हो गए। और उसके बाद दोस्तों विराट कोहली बैटिंग करने आए दूसरे छोर पे, तो उसके बाद KL राहुल भी आउट हो गए। और उसके बाद तो दोस्तों मानो ऐसा लग रहा था स्टेडियम में कि मायूसी छा गई हो, मगर दूसरे छोर पे विराट कोहली डटे हुए थे। और उसके बाद युवराज सिंह बैटिंग करने आए, जैसे ही KL राहुल आउट हुए तो युवराज सिंह आए, मगर युवराज सिंह भी चलते बने 15 रन बनाकर। और उसके बाद MS धोनी भी 6 रन बनाकर चलते बने। फिर उसके बाद आया मैदान में केदार जाधव का तूफान। जब दोस्तों केदार जाधव ने यहाँ पे बहुत ही आक्रामक पारी खेल डाली और ओनली 76 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से 120 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और अपना शतक भी पूरा कर लिया। और उसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने 8 चौके और 5 छक्के की मदद से 105 गेंदों का सामना करते हुए 122 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। और इसी के साथ भारतीय टीम ने 356 रन लगा डाले 7 विकेट गंवाने के बाद, और इस मैच को भारतीय टीम ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। 11 बॉल शेष भी रह गई। तो दोस्तों आप विराट कोहली और केदार जाधव की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और आप क्रिकेट वाली खबर सबसे पहले देखना चाहते हो तो वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब वाली बटन नजर आ रही हो, उसे दबा लेना है। उसके बाद घंटी को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें।